केआरटी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत करते हैं। जिला गुरदासपुर के कस्बा कानोवान के बीच जिहड़े कुछ प्रवासी व्यापार करने वाले कुछ लोगों ने कैमरे के सामने आके कुछ खुलासे किए ने। उन्होंने दसिया कि जिहड़ा कि आपां पंजाब दे विच आके जिहड़ा कि दुध वाले पशुओं का जिहड़ा साडे वल्लों व्यापार है जिहड़ा किया जाता, तो उन्होंने यह भी दावा किया कि साडे वल्लों जिहड़ा लीगल तरीके नाल व्यापार किया जाता, कुछ डॉक्यूमेंट भी है जिहड़ा कैमरे के सामने दिखाए ने। तो उन्होंने गलबात दौरान जिहड़ा मीडिया नाल गलबात दौरान दसिया कि लीगल तरीके साडे वल्लों जिहड़ा काम किया जाता, लेकिन जिहड़ी आ कुछ दिन तो आ जिहड़ी रोक आ जिहड़ी लगा दी गई है दूसरी स्टेट ते जाण दे उपर। उन्होंने दसिया कि सानू काफ़ी तरह दीआं परेशानियां दा सामना जिहड़ा करना पै रिहा। तां उन्होंने यह भी दसिया कि लगातार दावा जिहड़ा किया जा रहा कि लीगल तरीके नाल साडे वल्लों जिहड़ा काम हुंदा दुध वाले पशु है जिहड़े इत्थों पंजाब दे विच्चों वख-वख पिंडां चों खड़ के जिहड़ा अपने स्टेट दे विच्च जिहड़े वेचे जांदे ने। होर की कुछ कहा उह सुणदे हुण दी जबानी दिखाने तुहानूं उत्थे दीआं तस्वीरां दे इधरों के आर टी न्यूज़ अपने संजोगी राहुल दे नाल। मैं जितेंद्र सोडी के आर टी न्यूज़ कानोवान गुरदासपुर। क्या नाम है? अकरम लीडर सर। जी सर, हम यहाँ कंटिन्यूअसली से काम करते हैं इधर। जी सर, हम सात बंदे आए थे उधर कश्मीर से, परमिशन लेके आए थे सर। फिर प्रेसिडेंट ने बोला था आपका नंबर है। जी सर, जब नंबर आया सडनली हम सुन रहे हैं कि काम बंद है, जहाँ है उधर रुको, माल मत ले जाओ। डेरी कब लेते हैं सर? डेरी कब जो घर वालों को देते, दूध का काम करते उधर सर। हम इधर बहुत जगह से सर ये गाय खरीदते हैं, बहुत जगह से, हम बहुत डिस्ट्रिक्ट से आते हैं इधर। जहाँ जहाँ मिलेगा ये अच्छी दूध वाली गाय है, हम वहाँ से लेते हैं सर। जी सर, हमारा डीसी का परमिशन है, जितने भी हमारे कंसल्ट डॉक्टर है उधर वेटरनरी के, सब की परमिशन है। हमारा इधर कागज़ है, लीगल तरीके से हम काम करते हैं सर। जी सर, अचानक बोल रहे हैं आप माल नहीं ले सकते हो, बोल रहे हैं कुछ G20 का मीटिंग है 6-7 दिन बाद। हम इधर फंसे, अगर 2 दिन या 3 दिन पहले बताते कि ये काम बंद हो जाएगा 4 दिन पहले, हम नहीं लेते माल। मगर बोला नंबर है आपका। अभी जब हमने सारा पैसा निकाला, हम सात बंदे हैं, कम से कम 15 लाख निकाला, अब बोल रहे हैं आप इधर ही रहो, माल जितना भी उधर ही बांधो। सर, हम क्या करेंगे इधर? सर, अभी कम से कम हमको सात बंदों का 10-10 हज़ार लग रहे हैं दिन का, पट्ठे का, चोकर का, फीड का, खाने का, क्या करेंगे? 2-3 दिन हो गए सर इधर। सर, वो कम से कम 50-50 हज़ार के इधर खरीदे, फिर आता है उधर 10-15 हज़ार आता है, खर्चा भी किराया विराया लगता है सर। सर, हम यही अपील करता है अपने डॉक्टर को, जो हमारे कंसल्टेंट डीसी कठुआ है, यही अपील करते कि हमको इस वक्त इस मुसीबत से हमको छोड़ो सर, दोन दे हम इधर। जी सर। क्या नाम है? जी मेरा नाम है सर जी अनायत हुसैन। जी सर, हम यहाँ पशु खरीदने आ रहे हैं, दूध वाला पशु 20-20 लीटर 25-25 लीटर वाला। हम यही काम करते हैं, कारोबार लगभग हमको 5-6 साल हो गया सर जी, मगर आज हम अचानक यहाँ आए, 5-7 दिन हो गया, हम यहाँ सात बंदे आध बंदी खड़ा है, 15-20 लाख का माल हमने लिया है, अचानक कल रात हमने सुना खबर के बंद हो गया। अब हमको ये माल निकालना है किसी तरीके से, पता नहीं ये क्यों किया, पहले हमको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, 4 दिन पहले हम माल नहीं लेते, अब हमने लिया है। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपकी चैनल से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें किसी तरीके से यहाँ से निकालो। 5-6 साल सर जी, 5-6 साल। क्या करते हैं इनका? सर जी, दूध के लिए बेचते हैं, वहाँ घरों में ले जाते हैं, दूध निकालते हैं, डेयरी में देते हैं, गुरदासपुर से, कानवान से, पेनी से, अमृतसर से, लुधियाना से, खन्ना मंडी से पशु लेते हैं सर जी। जी सर, परमिशन है हाथ में है, डीसी का परमिशन है, चीफ का परमिशन है, वीएस का परमिशन है, जो लखनपुर में डॉक्टर साहब है बहुत अच्छा है, ईमानदार डॉक्टर, ईमानदारी से काम करता है, मगर हमने उससे फोन पर रब्ता किया था, वो बोलता है मेरे हाथ बंद है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ज़्यादातर कहा जाता है कि जहाँ से पशु ले जाते हैं वहाँ काटते हैं, पाबंदी भी लगी हुई है गवर्नमेंट जी, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं सर, वो तो कोई बंदा होता है 2 नंबर वाला काम करते हैं, मगर हमारे पास कागज़ है, हम लखनपुर हॉस्पिटल में ले जाते हैं, पहले चेक करते हैं डॉक्टर साहब, फिर जब उनको कुछ गाय में शक हो जाएगा वो वापस करते हैं सर जी, वो नहीं लेने देते हमको। जी सर, मैंने खुद की 2 गाड़ी खरीदी है, 14 पशु, लगभग हो जाएगा ये 10-11 लाख में, 21-25 लाख तक हो जाएगा सर जी। कल रात से पाबंदी लगा दी है, 10 दिन के लिए बोलते हैं छुट्टी है, मगर हमारा पशु यहाँ बर्बाद हो जाएगा। एक तो गर्मी भी है और सुया डंगर भी, यहाँ पट्ठा भी लेना पड़ता है,
लोगों को हमने पैसा दिया है, घरों में माल बंधा हुआ है, यहाँ भी कुछ लाया एक दो गाड़ी, घर वाले परेशान करते हैं, माल ले जाओ अपना, ले हम कहाँ ले जाएंगे सर जी, करना पड़ा एकदम सर जी। कल का कानून निकला वहाँ लखनपुर से, एकदम कल शाम को हमको ये खबर आई कि बंद हो गया। अगर चार दिन पहले पाँच दिन पहले पता लगता तो हम ये पशु नहीं लेते इस वक्त, मगर आज सवेरे उधर कानवाई निकला, 20-25 गाड़ी निकला लखनपुर से। गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें छोड़े यहाँ से। यहाँ इस वक्त हम यहाँ 7 बंदे खड़े हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में और 7 बंदे, लगभग 30-35 गाड़ी बंद है इस वक्त यहाँ पर जी सर।